हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिजली का बिल एक वैलिड एड्रेस प्रूफ है। अगर आपको कहीं एड्रेस अपडेट कराना हो या आपको कहीं एड्रेस प्रूफ के रूप में देना हो तो आप बिजली का बिल दे सकते हैं। लेकिन बिजली वाला मीटर रीडिंग के बाद जो हमें स्लिप देता है वो हमारे एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारा पूरा एड्रेस नहीं होता है। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन डिजिटली कॉपी अपने बिजली के बिल की डाउनलोड करनी होगी, जिस जो हमारे एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपने बिजली का बिल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, अब कहीं भी एड्रेस प्रूफ में लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हर स्टेट का अपना एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जिसकी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन बिल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे बिहार का होता है BSPHCL, यूपी का होता है UPPCL और पंजाब का होता है PSPCL। इसी तरह से आप अपने स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट को आसानी से गूगल के साथ फाइंड कर सकते हैं। बस आपको सिंपली गूगल में टाइप करना होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अपने स्टेट का नाम। जैसे मैं बिहार से हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और बिहार पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए दिखूंगा तो नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा BSPHCL का वेबसाइट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेन वेबसाइट पे आप पहुँच गए। तो अब बिहार में हमारे पास तीन होते हैं, तीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है। पहला होता है नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी। तो आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से आते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। तो मैं साउथ से आता हूँ तो मैं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पे क्लिक करूंगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अपने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मेन वेबसाइट पे चले आएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आपको टैब मिल जाएंगे जिसमें आपको कमर्शियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैरिफ एंड रेगुलेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एनर्जी कंजर्शन चाहिए तो आप यहाँ पे, इंस्टेंट पेमेंट चाहिए, ऑनलाइन कंप्लेंट करना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और बिल रिलेटेड कंप्लेंट करें तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम अपने बिजली का बिल कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली इंस्टेंट पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे व्यू एंड पे बिल का ऑप्शन मिलेगा और प्रिंट रिसिप्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आप सिंपली व्यू एंड पे बिल पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखे मिलेगा कृपया उपभोक्ता की संख्या डालें। अगर आपके पास उपभोक्ता संख्या पता है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको उपभोक्ता संख्या नहीं पता है कि आपका उपभोक्ता संख्या क्या है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ विद्युत विपत्र में उपभोक्ता संख्या जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो सिंपली आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपके रिसिप्ट में कहाँ कहाँ आपको मिलता है उपभोक्ता संख्या मिलता है। तो यहाँ पे जैसे आपका जो मीटर रीडिंग करते हैं उस टाइम पे जो देते हैं CA नंबर वहाँ पे आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उपभोक्ता संख्या हिंदी में आता है तो आप यहाँ पे होता है। और एक पहले जो मिलता था वहाँ पे यहाँ पे मिलता था जो हमारा उपभोक्ता संख्या होता था। तो आप सिंपली अपना जो मीटर का रीडिंग का जो स्लिप होता है आप उसमें से देख करके यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना इंटर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो मेरा था यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया और इंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने मेरे जो लेटेस्ट पे बिल इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा सबसे ऊपर में, और जस्ट उसके नीचे आप यहाँ पे टोटल अमाउंट है, ईमेल आईडी आप भरेंगे, फिलअप करेंगे, मोबाइल नंबर डाल करके आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें यहाँ पे बिल डेस्क से HDFC PG PayU से क्लिक करके आप कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आप डाउनलोड कैसे करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे अपने व्यू बिल पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने आपके जो बिल है उसका PDF आपको मिल जाएगा। ये रहा हमारा PDF बिल के रूप में। यहाँ पे आपको टोटल एड्रेस भी मिल जाएगा, टोटल चीज़ इसमें, यानी आप इसको एड्रेस प्रूफ के रूप में लगा सकते हैं। ये एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड है। आप चाहे तो इसे प्रिंट करा करके आप अपने एड्रेस प्रूफ के रूप में अगर देना चाहें तो आप इसे दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बिजली का बिल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बिल पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे पी बिल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन तीनों मिलेंगे, पेमेंट गेटवे जिस भी माध्यम से करना चाहते हो बिल डेस्क पे क्लिक करके आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ से पहले मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, इसके बाद कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। बिना मोबाइल नंबर के नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितना बिल पेमेंट करना है, फिर पे नाउ करेंगे एक बार और, ठीक है। उसके बाद कुछ नया नोटिफिकेशन आएगा तो वेट करते हैं, ऑलवेज शो कर देंगे यहाँ पे पॉपअप को। आप चाहे तो आप किसी भी UPI माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का क्विक पे का ऑप्शन आएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, QR या UPI के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस भी माध्यम से करना चाहें बस आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। और जैसे आप हम डेबिट कार्ड से करना चाहेंगे तो आप डेबिट कार्ड नंबर, मंथ, ईयर और CVC डाल करके, कार्ड होल्डर नेम डाल करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा। आप फिर उसको रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे सिंपली आप नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप व्यू एंड पे बिल की जस्ट नीचे प्रिंट रिसिप्ट लिखा होगा, आप यहाँ पे
क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से सीए नंबर डालना होगा और नीचे टाइप ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना होगा। तो ऐसे ही आप भी अपने बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी बिल डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसके एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज़ कर सकते हैं और अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।